नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। महावीर इंक्लेव में स्थित भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने 27 जुलाई को कारगिल दिवस की 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन की गई। 500 से अधिक पूर्व सैनिक, वीर नारी, स्थानीय निवासी और भगत के चिकित्सक कर्मचारी ने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1999 में कारगिल में विजय के बारे में स्थानीय निवासियों को जागरूक करने के लिए महावीर इंक्लेव में एक विजय यात्रा का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में डांसिंग, सिंगिंग और तमाम मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। देखिए रिपोर्ट। कारगिल विजय दिवस सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन माना जाता है। भारत में हर साल 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच कारगिल में जंग खत्म हुई थी। लगभग 60 दिनों तक चले इस युद्ध में हमारे देश की सेना ने जीत हासिल की थी। इसी कड़ी में भगत चंद्र हॉस्पिटल ने दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन कोलैबोरेशन के सहयोग से कारगिल विजय दिवस सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर देशमा प्रेसिडेंट एडवोकेट सीपी सिंह, मंगलापुरी से निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा, दिल्ली कैंट से एमएलए वीरेंद्र काद्यान, पूर्व सांसद महामल मिश्रा और तमाम पूर्व सैनिक मौजूद रहे। देखिए, जोश का माहौल है, अच्छा है और सब लोग शामिल होते हैं। हमें ही मौका मिला इन लोगों को इन्वाइट करने का और इनके साथ ये सेलिब्रेट करने का, तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो कारगिल में सर शहीद हुए हैं, उनको कैसे आप श्रद्धांजलि देंगे, किन शब्दों में कहना चाहेंगे? देखिए, देश के लिए इन लोगों का जो कुर्बानी है वो हमेशा याद रहेगी। 527 लोग थे और इन्हीं के लिए हमने आज एक खास गीत भी लिखा था जो बजाया गया था। ठीक है ना, आपके हॉस्पिटल के जो स्टाफ है सर, उन्होंने, कलाकारों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ही सारे मल्टी टैलेंट, सब में टैलेंट होता है, मौका देना चाहिए। हमने 99 के कारगिल योद्धाओं को आज नमन किया, उनको श्रद्धांजलि दी, उनके बलिदान को हमने याद किया। 25 वर्ष पूर्व हमारे सैनिकों ने कारगिल की विश्व की सबसे ऊंची पहाड़ियों पर युद्ध जीत कर इस देश को दिया था। 25 वर्ष विजय के पूर्ण होने पर आज हमने भगत चंद्र हॉस्पिटल में मिलजुल कर धूमधाम से कारगिल विजय सेलिब्रेट किया। सबसे अच्छा कारगिल आयोजन यहीं पर हुआ। हमने सैनिकों को याद किया, उनके बलिदान को याद किया। हमारी संस्था दिल्ली एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन 2019 से रात दिन पूर्व सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिक, वायु, थल, नौसेना, महायोद्धाओं के लिए रात दिन काम कर रही है। सुख में दुख में हमारी संस्था उनके साथ पहुंचती है, उनके साथ खड़ी मिलती है। हमारी संस्था में पूरे देश के 28 राज्यों से सदस्य हैं। हमारी संस्था सबसे बड़ी है दिल्ली में, हमारी संस्था दिल्ली एनसीआर में हमारी संस्था सबसे सक्रिय है। मैं अपने सहयोगियों को धन्यवाद देता हूं, मैं अपने एसोसिएट को धन्यवाद देता हूं, एंड प्रवीण जी आपको भी थैंक यू एंड धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में कितने पूर्व सैनिक जुड़े? आज के पूर्व, जहां तक कार्यक्रम की बात है, 100 से ज़्यादा संख्या में पूर्व सैनिक यहां पर उपस्थित थे। स्थानीय निवासी, स्थानीय समाज सेवक, हमारे संस्था के विधायक, हमारे यहाँ के पार्षद, हमारे यहाँ के पूर्व लोकसभा सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित थे। हम भगत चंद्र हॉस्पिटल का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने पिछले एक महीने से रात दिन मेहनत किया और इस कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। जय हिंद, जय देशमा, जय भारत। देखिए, आज कारगिल विजय दिवस के रूप में आज यहाँ जो है भगत चंद्र हॉस्पिटल में प्रोग्राम रखा है देशमा के माध्यम से, तो मैं देशमा के सभी साथियों को, देशमा के चेयरमैन हमारे माननीय विधायक बड़े भाई वीरेंद्र काद्यान जी, देशमा के जो प्रेसिडेंट हैं सीपी सिंह साहब, तो इन सभी साथियों को आज इस आयोजन के लिए, इनके लिए बहुत बहुत इनको बधाई देता हूँ। और उन वीर सपूतों को जिन्होंने कारगिल जैसे विषम परिस्थितियों में, आपने जो देखा होगा, हमने भी उस टाइम पे जो अखबार के माध्यम से कि कितनी ऊंची पहाड़ियों पर तो पाकिस्तान के रेंजर जो ऊपर थे, हमारे सैनिकों ने उन पर कितना, मतलब विषम परिस्थितियों में लड़ाई लड़ी और विजय प्राप्त करी, तो उन सभी
देशवासियों को लिए जो सुरक्षा का जो उन्होंने आज जो हम सुंदर जीवन सुरक्षित जीवन जो जी रहे हैं, तो इसके लिए उन सभी शहीदों को आज नमन करते हैं, उनको आज इस उनके बलिदान को आज यहाँ सभी श्रद्धांजलि देते हैं। और आज इसी अवसर पर, क्योंकि आज के दिन अब्दुल कलाम जी का भी इंतकाल हुआ था, उनको भी आज पूरा देश इस मंच के माध्यम से उनको याद करता है, उनको नमन करता है, उनको श्रद्धांजलि देता है। मैं आज के विजय दिवस पर मैं दिल की गहराई से उन महान सेनानियों को चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं, जो अपने प्राण को न्यौछावर करके देश का रक्षा किया। उन महान सपूतों को चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूं, और वो जो उस समय भाग लिए लड़ाई में, उन्हें भी मैं दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अपनी ताकत से पराक्रम से विजय मनाया। आज विजय दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो दासमा जो हैं, इनके संस्था के प्रधान सीपी सिंह भी यहां थे, उनको और उनके पूरे टीम को दिल की गहराई से बहुत बधाई देता हूं, जो आज कारगिल युद्ध को ये दिवस के रूप में जो मनाया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आज एक और है, हमारे भारत रत्न से सम्मानित 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल जे कलाम जी का पुण्यतिथि भी है, जिनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, तो उनके चरणों में भी श्रद्धा का सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दिल्ली एक्सप्रेशन एसोसिएशन देशमा ये एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पूर्व सैनिकों ने लगभग पिछले 6 साल पहले बनाई थी, और इसका मुख्य पर्पज ये था कि जितने भी हमारे पूर्व सैनिक हैं, जितने भी उनको एक दूसरे के साथ मिलके क्षेत्र में काम किया जाए, सामाजिक काम किया जाए, और जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं उनको मनाया जाए, चाहे 15 अगस्त 26 जनवरी हो, और जैसे हमारे योद्धाओं ने कारगिल युद्ध में अपनी प्राणों की आहुति दी और उनको हम समय समय पर याद करते हैं, तो कल उनका कारगिल दिवस था, परंतु आज क्योंकि सभी लोगों का कई कई जगह कार्यक्रम थे, तो आज हमने देशमा ने ये कार्यक्रम किया, हमने उनको याद किया, उनके परिवारों को नमन किया, उनको नमन किया जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी रक्षा की, और आज जिनकी वजह से हम यहाँ पर देश के अंदर आसान और चैन की सांस ले पा रहे हैं, उन योद्धाओं को, उन वीरों को हम सब ने मिलकर नमन किया, सारे पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए और क्षेत्रीय लोग इकट्ठे हुए। आप फाउंडर्स में आते हैं देशमा के, आपने घोषणा भी की है उसका ऑफिस तैयार किया जाएगा, और क्या कुछ तैयारियाँ हैं? दिल्ली एक्सप्रेशन एसोसिएशन ने बहुत से सामाजिक काम करे हैं, अगर किसी सैनिक के साथ कोई बात हो जाती है तो सबसे पहले हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं, ये एक टीम है, देशमा के नाम से एक टीम है, सबसे पहले पहुंचते हैं, और हमारे प्रेसिडेंट सीपी सिंह जी, एमपी सिंह जी ग्रेवाल साहब, जितने भी लोग हमारे टीम के सदस्य हैं, ये इन्होंने अपने जीवन काल में सेना में, वायुसेना में और थल सेना में नौकरी करके अपनी सेवा देखी, इन्होंने ये निर्णय और प्रण लिया है कि हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखेंगे, पूर्व सैनिकों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि जब आदमी 70 साल का उससे ज़्यादा हो जाता है, या हमारी विधवाएं बहनें हैं जिनको अपने हकों के बारे में पता नहीं होता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत सी पॉलिसियाँ निर्धारित करती है, और अगर किसी के साथ कोई, मान लो हमारा शहीद हुआ, हमारा देश का सिपाही, तो उन बेचारी उस समय पे उनका हाल क्या होता है देखने का सबको पता है, ऐसे समय में हमारे लोग जाते हैं, देशमा के लोग जाते हैं, और जो क्षेत्रीय एक पूर्व सैनिक जाते हैं उनको समझाते हैं, उनको क्या क्या केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से सहायता मिल सकती है, उनको सहानुभूति के तौर पर एक प्रकार से सारा दिन काम हम यहाँ पर करते हैं। देखिए, कार्यक्रम एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि है, इसी बहाने हम 25 साल पहले जो हमारे शहीद थे उनको याद करते हैं, और आपको तो पता ही होगा कि जितने शहीद हुए थे सब यंगस्टर थे, यंग ऑफिसर और यंग, और 180 डिग्री की उन्होंने चढ़ाई करके 90 डिग्री की चढ़ाई ऑलमोस्ट, और वो गए, दुश्मन वहाँ बैठा था ऊपर और वो नीचे से प्लान करके गए, तो बहुत 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 ही बड़ी श्रद्धांजलि है। मुझे ये उम्मीद है कि ये ऐसे कार्यक्रम चलते रहेंगे, इससे हम लोग तो प्रोत्साहित होते ही हैं, आने वाले फौजी भी बहुत प्रोत्साहित होंगे। बाल विहार बाल गृह के बच्चे एवं स्टाफ इस विजय जश्न में शामिल हुए। कार्यक्रम में डांसिंग, सिंगिंग और तमाम मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका चीफ गेस्ट के साथ साथ तमाम लोगों ने भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया,
सभी कारगिल योद्धाओं को मोमेंटो और शॉल के साथ सम्मानित किया गया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।